सो हेलो नमस्ते सत श्रीकाल की हाल चाल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज है मेरी डेली व्लॉग सीरीज का डे वन, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। जिम वर्कआउट तो मेरा हो गया ख़त्म, मेरे को जाना है मार्केट ज़रा सामान वामान लेने के लिए, तो वही चलते हैं। वर्कआउट काफ़ी अच्छा हुआ है और पंप भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी जस्ट मैं घर पहुंचा हूं और क्या बोलते हैं नहा वहा के शावर वावर लेके एकदम बढ़िया फ्रेश हो गया हूं। अभी टाइम है मेरा थोड़ा सा पूजा वगैरह करने का, क्योंकि क्लास और जिम से आने के बाद सबसे पहले शावर लेके पूजा करता हूं और मार्केट से सब्जी वगैरह ले आया हूं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, ये देख सकते हैं आप वीडियो में कि मार्केट कितनी बड़ी और यहाँ पर सुबह सुबह जाना ना मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़। तो फिर भी सामान वगैरह मैं सारा घर पर ले आया हूँ और अभी जाके फटाफट से पूजा करता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करूँगा। तो अभी जैसे मैंने मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और ब्रेकफास्ट में मैंने जैसे आप देख ही रहे हैं वीडियो में, आप देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं ऐड किया मैंने। 3 अंडे का ऑमलेट था और रात के थोड़े से चने बचे थे, मैंने उसको भी डाल के खा लिया और साथ में चाय पिए। और अभी मैं मेरा कुछ भी काउंट वगैरह नहीं कर रहा, क्योंकि पहले जब मैं जिम कर रहा था तो सब चीज़ें काउंट करके रखता था कितना प्रोटीन हो, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है गाइस। तो जो लोग प्रेप वगैरह कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, बट हम लोगों को बस मेरे को बस यही है कि मेरा प्रोटीन इंटेक जो वो पूरा हो जाए, बाकी घर के खाने से ही अभी अच्छा फिजिक बनाने की मेरी कोशिश रहेगी। और अभी मैंने मेरी डेली डाइट में कोई सप्लीमेंट्स, कोई प्रोटीन पाउडर भी ऐड नहीं किया। मैं ट्राई करता हूँ कि जो भी है नेचुरल प्रोटीन खा के अपना फिजिक मेंटेन करके रखूँ। तो अभी ब्रेकफास्ट ख़त्म, सारे काम सुबह के ख़त्म हो गए और अभी एक अच्छा सा नैप लेंगे, क्योंकि 4 बजे मैं उठता हूँ और अभी नींद आ रही है थोड़ी सी, मेरे को नैप लेता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग को मिलता हूँ। बाय। तो लंच वगैरह करने के बाद अभी क्लास हो गया मेरी टाइम का, टाइम हो गया है मेरी क्लास का और अभी मैं जाने वाला हूँ क्लास में। और क्लास जाने से पहले मैं मोस्टली तो नहीं, बट आज से मैंने कोशिश की है कि खा के जाऊँ कुछ ना कुछ, नहीं तो पहले तो मैं फिर बनाना है फिर कोई फ्रूट खा के चला जाता, बट मैंने कोशिश की है अभी थोड़ा सा प्रोटीन इनटेक बढ़ाने के लिए। तो अभी मैं खा रहा हूँ साथ में ऑमलेट के साथ खा रहा हूँ बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, चना और गुड़, देसी डाइट भाई। और कल था टीचर डे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो मेरे को कितने सारे फ्लावर्स मिलते हैं, कितने सारे फ्लावर्स। ये तो अभी कुछ फ्लावर्स मैं लेके भी नहीं आया हूँ, सेंटर में ही पड़े हैं और कुछ मतलब 2-3 सेंटर है वहाँ पे पड़े हैं अभी तक फ्लावर्स, तो मैं लेके ही नहीं आया। और ये एक और, ये तो देखो ये कमरे में पड़ा हुआ था, इसका तो बाहर रखा ही नहीं इसको। ये देखो, तो इनका वियतनाम में जो टीचर्स डे आता है वो आता है 20 नवंबर को, 20 नवंबर को टीचर्स डे आता है। सो कल ये लोगों ने सेलिब्रेट किया है, कल था 20 तारीख। और गिफ्ट्स वगैरह तो मेरे को 2-3 पहले मिलने शुरू हो गए थे, बट कल अच्छे से सेलिब्रेट हुआ है। सो अभी फटाफट से करता हूँ मैं अपना ये स्नैक्स खाता हूँ, फिर उसके बाद निकलते हैं फटाफट से क्लास। सो टाइम हो गया मेरी क्लास जाने का और ये रहा मेरा आज का क्लास का क्लास। अभी जस्ट मैंने मेरा क्लास ख़त्म किया और ये देखिए इसमें मैं लेके आता हूँ मेरे गीले कपड़े, टी शर्ट आपको दिखाऊंगा ना बहुत ज़्यादा गीली हो चुकी है, ये पूरी वेट है, ये डिनर में आज बनी हुई मिक्स वेजिटेबल पुलाव, बिरयानी बोलने वाला था बट पुलाव है। सो डिनर करते हैं फिर उसके बाद उनको गीता पढ़नी है, मिलते हैं आप।
रोज रात को सोने से पहले मैं ट्राई करता हूँ कि मैं रात को गीता पढ़ के सोऊं, और अगर कभी टाइम नहीं मिल पाता तो सुन लूँ या फिर हनुमान चालीसा पढ़ के सो, ताकि मेरा जो दिन आज गया है वो बहुत अच्छा गया है, उसके लिए भगवान को शुक्रिया कर सकूँ, और जो कल आने वाला दिन है वो काफ़ी अच्छा जा सके। तो अभी जस्ट मैंने गीता पढ़ के ख़त्म की, और आज मैंने सीखा है कि जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं, जो भी कुछ ऐसी पोजीशंस है आपकी लाइफ में, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आएगी। कुछ लोग हैं जो अपने सेल्फ रियलाइजेशन से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं बट नहीं कर पाते, जैसे कि अर्जुन एक ऐसी स्थिति में फंस चुका था कि उसको बिना गुरु यानी कि बिना कृष्ण भगवान के समझना मुश्किल था कि वो इधर धरती पे क्या करने आया, उसका क्या कर्तव्य है। सो आज मैंने सीखा है कि आपको जीवन की परिस्थितियों को और मुश्किलों को पार करने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, जो कि कृष्ण भगवान से या फिर कोई भी भगवान के मतलब क्या बोलते हैं उसको, काफ़ी संस्कृति मतलब काफ़ी अच्छे से उनकी भक्ति करता हो वगैरह, चाहे वो फिर कोई भी धर्म या फिर जाति का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था गाइस, तो अभी फटाफट से मैं गर्म दूध पीऊँगा और सोऊँगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।